हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि दो डेट के बीच में हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई डेट है 1/1/2020 और आज का डेट है, मुझे इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे? अगर डिफरेंस आपको डेज में चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप स्टार्ट डेट माइनस एंड डेट करेंगे, सॉरी लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो डेज में आ जाएंगे। आपको फाइनेंशियल फाइनेंशियल डेज में चाहिए, फाइनेंशियल ईयर की डेज में चाहिए, तो आप यहां डेज 360 यूज कर सकते हैं। जी हाँ, डेज 360, लेटेस्ट डेट ओल्डेस्ट डेट। इस साल को 365 नहीं 360 दिन लेता है, फाइनेंशियल ईयर को इसको बोलते हैं। आपके यहाँ पे डिफरेंस आता है, लेकिन मुझे डेट डिफरेंस ना तो डेज में चाहिए ना मंथ, इसमें फाइनेंशियल ईयर के डेज में चाहिए, मुझे चाहिए मंथ में, कि हाउ मेनी मंथ हुआ है। तो मंथ में कैसे करें? तो मंथ में लाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिएगा और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में आप जो है डिवाइड बाई 30 कर दीजिएगा, एक गलत हो जाएगा। इसके लिए एक एड इन फॉर्मूला होता है, डेटेड इफ, डेट DIF भी बोलते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग उसको डेटेड इफ भी बोलते हैं। तो डेट DIF देखिए, डेट डिफरेंस, इसमें आपको स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है और एंड डेट सेलेक्ट करना है, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में M देना है, द मंथ, ये आपका डिफरेंस मंथ में आ गया। तो याद रखिएगा, डेटेड फॉर्मूला सजेशन में नहीं आता है, क्योंकि ये एड इन फॉर्मूला है, इसलिए सजेशन में नहीं आएगा। और हमने M कर दिया तो क्या हो गया? मंथ। अगर मैं यहाँ पे Y कर दूं तो ईयर, D कर दूं तो डे, भी आपका डिफरेंस आएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे किसी का एज निकालना है, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1990 है और मुझे आज का डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, टुडे का फॉर्मूला या नॉर्मल शॉर्टकट प्रेस कर दी हमने कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, तो आज का डेट आ गया। मुझे यहाँ पे पता करना है कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है एग्जैक्ट। इसके लिए भी हम डेटेड इफ का या डेट DIF का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ एंड करेंट डेट, और यहां पे हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में Y, पे हमारा ईयर आ जाएगा। देन वापस हम डेट DIF, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें हम कर देंगे M, बट M करेंगे तो वापस ये महीने में आ जाता है, लेकिन मुझे तो यहां महीना चाहिए कि 30 ईयर के बाद कितना हुआ है, इसलिए यहां पे हम YM करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 मंथ। और उसके बाद फिर यहां पे हम डेट DIF का यूज करेंगे और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे करेंगे M डी, मंथ के बाद कितना दिन हुआ है वो MD हमने सिलेक्ट कर लिया। एज निकल गया 30 साल 3 महीने और 13 दिन। ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन की, बिटवीन टू डेट्स आप कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे मोबाइल ऐप के अंदर बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं जॉब्स के। जी हाँ, यहाँ मेरे ऐप पे जाएंगे तो एक चैट सेक्शन होगा, चैट सेक्शन में हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में बहुत सारे जॉब्स की ओपनिंग मैं डेली बेसिस में डालते रहता हूँ, तो आपको वहाँ जॉब्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो बहुत सारे फ्री में वीडियोज मिलेंगे आपको, और स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, वीडियो कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।